अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अलिया, तुमने हमको फोन पे कहा कि आयुष्मान किसी गड्ढे में गिर गया। कहाँ गिरा बेटा? वो इसी गड्ढे में गिर गया। अरे ये तो बहुत है। आयुष्मान! अरे बुआ जी, ताई जी, सब लोग शांत हो जाइए। मैंने बहुत ट्राई किया उसे आवाज लगाने के, लेकिन उस तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। मम्मा क्या बोल रही तू? आलिया, ये चोट तुमको कैसे लगी? बहुत खून बह रहा है, देखो। क्या चोट? आलिया बेटा, तुझे चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, वो गहना को बचाने के चक्कर में लग गई। गहना? क्या गहना भी आयुष्मान के साथ अंदर गिर गई है? नहीं, वो उसके साथ नहीं गिरी है। वो आयुष्मान की तो मैंने आवाज सुनी थी, और वो गहना तो मेरे सामने गिरी है। हे भगवान, अरे इतने छोटे से गड्ढे में दोनों साथ साथ अकेले। ये लड़की गहना लड़की है कि डायरेक्ट आयुष्मान के पीछे ऐसे पड़ी कि गड्ढे में भी उसके साथ जा गिरी। जेठानी जी, मेरा बेटा मुसीबत में है, कम से कम इस वक्त तो ताने मत मारिए। हमें सोचना चाहिए कि दोनों को कैसे बचा सकते हैं। अरे हाँ हाँ, हम भी तो यही चाहते हैं। हम उसके ताई है, कौन दुश्मन नहीं है, पर उसको बचाएं कैसे? पर इतना गहरा गड्ढा यहाँ पे आया कैसे? कहीं इन लोगों को पता ना चल जाए कि गड्ढा मैंने ही खुदवाया था गहना के लिए। एक मिनट, शायद वो जो बोरवेल वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था उन्हीं ने ये गड्ढा खोदा है। पर कब आए, कब किया, पूछा नहीं, बताया नहीं कुछ। ईशान फोन लगा, अभी बात करता हूँ। अरे अंकल, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे ना, हम पहले ये सोचते हैं कि आयुष्मान को इससे बाहर कैसे निकालेंगे। अरे चुप, सोच ले तो हमको। तुम पहले बचाओ विभाग वालों को फोन करो राघव, और बुलाओ यहाँ। जी दीदी, अभी करता हूँ। राघव, मैं जानता हूँ, किसी को मैं तुरंत। हाँ फोन करो भैया, फोन करो। बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी बुआ है यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, मदद आ रही है। ईशान बेटा, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ। जी आंटी, मैं अभी लेकर आता हूँ। क्या हुआ अब? ऐसे टुकुर टुकुर काहे घूर रहे? निकल गया हमरे मुंह से गुस्से में। अब अगर आप ऐसे आलिया जी को बचाने की कोशिश करेंगे तो हम और क्या करेंगे? हम जानते कि आपकी शादी आलिया जी के साथ नहीं होने वाली है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता और आप हमें नहीं बताते ना डॉक्टर बाबू, तो धरती मैया की कसम, हम कभी आपको जिंदगी में माफ नहीं करते। देखो, अभी इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। हम पहले से इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। आलिया, कौन सी छोटी मुसीबत? हमारा मतलब है अभी आप मुसीबत के बारे में सोचिए ना, आलिया के बारे में काहे सोच रहे हैं? क्योंकि तुमने उस पे झूठा इल्जाम लगाया था, समझती क्यों नहीं हो तुम? हाँ हम ही गलत है, आपके लिए तो हमेशा हम ही गलत रहते, बाकी सब सही रहते। अब तो हम कछु भी नहीं बोलेंगे। थैंक यू, अब कम से कम मैं कुछ सोच पाऊंगा। तुम हंस क्या रही हो?
कम से कम मैं ट्राई तो कर रहा हूं ना। दिमाग खराब हो गया, समझ में नहीं आ रहा कि बाहर कैसे निकलना है। थोड़ी देर में ना ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी सांस भी रुक सकती है। अरे टाइम पास क्या कर रही हो तुम दुपट्टे से? हम किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानते और हल निकालना भी, और वही हल निकाल रहे हम। और आप चिंता मत कीजिए, हमारे होते हुए हम आपको कछु भी नहीं होने देंगे। क्या करोगी तुम? वो सब जो शहर के लोग नहीं कर पाते, अब ये लीजिए और इसे अपनी कमर से कसकर बांध लीजिए। लीजिए। क्या क्या करना चाह रही हो तुम? देखिए डॉक्टर बाबू, हम गांव में पले बड़े हुए और शहर के लोगों को बस नाक चढ़ाना आता है, गुस्सा चढ़ाना आता है, तो हमें छत पर चढ़ना सिखाया जाता है, पेड़ पर चढ़ना सिखाया जाता है, और अब हम उसी का फायदा उठाकर इस खड्डे से बाहर निकल जाएंगे। अब सोच कह रहे, जल्दी से लपेटे इसे। अगर आयुष्मान को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। पर चाची, वो मेरी वजह से थोड़ी गड्ढे में गिरे हैं। अगर तू मुझे बता देता कि आयुष्मान गहना को मिलने के लिए घर जा रहा है तो मैं उसे रोक देती ना, और इस तरह गड्ढे में तो नहीं गिरता वो। तेरी वजह से आयुष्मान गड्ढे में गिर गया है। तेरी एक बात छुपाने की वजह से कि आयुष्मान और गहना की शादी हो गई है, आज बात यहां तक बढ़ गई है। दीदी, रेस्क्यू टीम आ गई है। अरे अरे भैया देखो, जौन पड़े वो करो, हमारा बच्चा अंदर फंसा हुआ है, उसको जल्दी बाहर निकालो भैया। आप चिंता मत करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी माइक कनेक्ट करो, हमारी उनसे बात करना जरूरी है, और ऑक्सीजन मास्क भी रेडी करो। अंदर तो है, आवाज पूछिए, आवाज पहुंच रही है का? आयुष्मान बचवा सुनाई दे रहे का? मैं सबको बताऊंगी, सबको बताऊंगी, गहना रायो की शादी हो गई है। कहाँ जा रही हो? बाहर नहीं जाएगी तू, अपने कमरे में जा। नहीं मम्मा, मैं तो जाऊंगी और सबको बता दूंगी गहना रायो की शादी हो गई। तू इस बारे में बात नहीं करेगी किसी से, और किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। मुझे मालूम था एकदम बकवास प्लान है, ऐसे कैसे ऊपर चढ़ेंगे हम? खराबी प्लान में नहीं, आप में। क्या मतलब? अरे डॉक्टर बाबू, आप अपना पूरा शरीर का वजन ऐसे ढीला नहीं ना छोड़ सकते। आपका वजन हमरे ऊपर आए और हम दोनों एक दूसरे से बंधे हुए, तो हम तो गिरेंगे ही ना, समझ रहे आप? नहीं समझ रहे। चलिए हम आपको बताते, चलिए हम बताते, उठिए उठिए उठिए, चढ़िए। ऐसे कैसे चढ़िए? अरे डॉक्टर बाबू, कोशिश तो कीजिए, आइए हम आपको बताते हैं आगे का। डॉक्टर बाबू, आपने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है ना? कर ली है। आप भी अपनी पकड़ मजबूत करते हैं।
कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। डॉक्टर बाबू क्या हुआ, आप ऐसे शर्मा कह रहे? पहले हम अपने पति पर गिरे और अभी आप अपनी पत्नी पर गिरे, हिसाब बराबर। अच्छा डॉक्टर बाबू चलिए आइए हम फिर से कोशिश करते। आइए। पर क्यों मम्मा, ये तो भाई की शादी की खुशखबरी है ना, और दिनी तो जरूर सबको बताएगी, तभी तो मम्मा हमें इतनी सारी मिठाई मिलेगी खाने को और हम सब लोग खूब डांस करेंगे, खूब धमाल करेंगे। मैंने कहा ना इस बारे में तू किसी से कुछ नहीं बोलेगी, और जा अपने कमरे में जा। दिनी जाओ। शुक्र है भगवान का, अब किसी को गहना और आयुष की शादी के बारे में पता नहीं चलेगा। अब आलिया को ये फर्स्ट एड बॉक्स दे दे। तिनी तो सबको बताएगी गहना और आयुष की शादी, सबको बताऊंगी सबको। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आधे रास्ते तक पहुंच गए हम डॉक्टर बाबू, थोड़ी देर और ऐसे हिम्मत कर करके हम ऊपर पहुंच जाएंगे। तिन्नी कहाँ जा रही है? तिन्नी ये वो बेशरम लड़की है, देखो हमारा बच्चा हुआ जिंदगी मौत के बीच में लड़ रहा है और इनको मजाक सूझ रहा है, ताली बजा रही है, मजाक चल रहा है यहाँ पे, रोको कमला इसको। टिन्नी ताली बजाना बंद करो और चलो यहाँ से। टिन्नी चलो। टिन्नी कहीं नहीं जाएगी। टिन्नी ने ना आप सबको बहुत बड़ी बात बतानी है, बहुत बड़ी बात। अरे ये लड़की कहीं ये बताने तो नहीं आई कि हमने इतने साल इसे बंद करके रखा था। गहना, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्यों कर रहे हैं, जल्दी करना होगा, तुम्हें तो अस्थमा भी है, तुम ठीक हो? हाँ डॉक्टर बाबू, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम ठीक हैं, बस ऐसे थोड़ी हिम्मत रखेंगे तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे। इसी बात का तो डर है कि कहीं ऊपर ही ना पहुंच जाए भगवान के पास। अरे डॉक्टर बाबू अगर आप ही ऐसी बातें करेंगे तो हम भी हिम्मत हारने लगेंगे ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था ताकि डर ना लगे। अच्छा डॉक्टर बाबू आप ऐसे मजाक करते रहिए, ऐसी बातें करते करते हम ऊपर पहुंच जाएंगे जल्दी, बस डॉक्टर बाबू संभाल के आराम आराम से ऊपर चलिए। अरे कमला का कहना चाहती है ये? कौन सी बड़ी बात बतानी है इसको? कमला तुझे कुछ बताया इसने? मम्मा को तो सब पता है, मैं तो बाकी सबको बताने आई हूँ। आपकी बात सुनने क्यों रहे हैं हम लोग? नहीं नहीं, आपको पता है चिन्नी ना आप सबको गहन और आयु के बारे में कुछ बताने आई है। मुझे पता है कि वो दोनों नीचे फंसे हैं। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, चल यहाँ से, चलो। रुको, ए लड़की, यहाँ। बताओ, कहाँ बताना चाहती हो आयुष और गहना के बारे में?
मुझे ना आप सबको बताना है आयु और गहना की शादी हो गई है। ये कमला संभालो इसको, आयुष्मान और गहना की शादी हुई है, लेके जाओ कमला इसको। चिन्नी झूठ नहीं बोल रही है, आयु और गहना की सच में शादी हुई है। ईशान, कमला कहाँ कह रही है? तुम और ईशान क्या बात कर रहे थे? जवाब दे, खड़ी क्यों है? क्या बोल रही है ये? आवाज कहाँ से आ रही है? डॉक्टर बाबू उठिए डॉक्टर बाबू। आप ठीक तो है डॉक्टर बाबू? हमें जवाब चाहिए कमला, बताओ। काहे बोल रही है कि आयुष्मान और गहना की शादी हो गई है? ये क्या है? वो दीदी, वो मैं और ईशान। आवाज आ रही है हमारी? कोई सुन रहा है भाई? ये क्या? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।
आलिया यहाँ पे कोई केमिकल गैस लीक हो रही है। हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? पर ये सब हुआ कैसे? अरे भैया क्या हो रहा है? देखिए हमारी एक टीम दूसरी तरफ खड्डा कर रही है ताकि इनको बाहर निकाल सके। शायद रास्ते में कुछ केमिकल वेस्ट की पाइप्स होंगी जो गलती से फट गई होंगी। अब वो गैसेस वहीं से इनकी तरफ आ रही हैं। खतरे की बात ये है कि वो गैसेस जहरीली भी हो सकती हैं। तो फिर कुछ कीजिए ना कि गैस बच्चों तक ना जाए। बचाइए दोनों को। है ना? मैं अस्थमा है। ये लो, इसे अपने मुंह डालो। पकड़ो जल्दी। सांस लेते वक्त ये गैस अंदर नहीं जानी चाहिए। लोगों ने जबरदस्ती पकड़वा शादी करवाई थी मेरी। मैं नहीं मानता हूं शादी को। मेरी शादी किसी और से होने वाली है।